नमस्कार, आज हम अगले अध्याय की बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि कुरुक्षेत्र में किस तरीके से कृषि की उत्पत्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या प्रमुख चीज़ें इस अध्याय में बात की गई हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना की बात की गई है, फसल बीमा योजना, ई नाम, AMPC एक्ट, आपका एग्री बिजनेस स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम, तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो हमने दूसरे भी सभी एडिशन्स में चर्चा की हैं और इस एडिशन में यहाँ पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है। तो उससे पहले कुछ मुख्य खबर हम देख लेते हैं। आरोग्य मोबाइल ऐप चालू किया गया है जो कि मेडिकल प्रोसेसेस के लिए है और आपके डोर टू डोर जो वेस्ट सेग्रीगेशन की प्रक्रिया है उस पर बल दिया गया है। किसानों की आय को दुगना करने की बात की गई है 2022 तक। मृदा हेल्थ स्कीम चालू की गई है जिसमें मिट्टी की क्वालिटी पर गौर किया जाएगा और PM आशा योजना लाई गई है जिसके तहत जो भी एनवायरमेंटल प्रोसेसेस हैं जिसके द्वारा किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है उन सब पे बल दिया जाएगा और एक स्टेबल प्राइसिंग सिस्टम को रिलीज़ किया जाएगा। अगला है कि किस तरीके से कृषि में हम विकास कर सकते हैं। तो कृषि में हम अगर देखें तो 70% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियों में लगी हुई है। भारत में फिर भी कृषि का उत्पादन जो कि जनसंख्या जुड़ी हुई है उसके बनस्पत बहुत कम आका गया है दूसरे देशों के कंपेरेटिव, तो इसको हमें निश्चित तौर पर बढ़ाना होगा। और हमने एक माइक्रो इरीगेशन फंड की स्थापना की है जिसमें 5,000 करोड़ की लगी है और डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट की भी स्थापना की गई है। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो हमारे मार्केट ड्रिवन फोर्सेस से गवर्न है। इसी तरीके से मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड चालू किया गया है, एक मत्स्य पालन के लिए अलग फंड लाया गया है। जैसा कि हमने बोला PM आशा में किसानों को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए उस पर बल दिया गया है। AMPC एक्ट लाया गया है। फसल बीमा योजना में खारिफ पर 2% और राबी पर 1.5% का प्रीमियम दिया जाएगा और जो लॉसेज हैं उनको क्लेम करने के प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा। इसी तरीके से ई नाम की स्थापना की गई जिसको इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट कहा गया, एक कॉमन मंडी जहां पर सभी किसान अपना माल जो है खरीद बेच सकते हैं और क्योंकि ये एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक मंडी है इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, फार्मर्स को अच्छी लागत मिल सकती है। इसी तरीके से परंपरागत कृषि विकास योजना की हमने बात की जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बल दिया गया, तो हमने बताया कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाई जा सकती है। एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन प्रमोशन की हमने बात की है जिसमें किसान की लागत को किस तरीके से कम किया जाए और बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन लाया जाए, यील्ड को बढ़ाया जाए, उस पर मुख्य फोकस रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हमने बोला कि हमारे यहाँ की भारत की जो निजी गायें हैं या जो निजी पशु हैं उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए, तो इंडिजीनियस ब्रीड्स को बढ़ावा देने की बात की गई। इसी तरीके से आपका कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर्स रिलीज़ किए गए, नकुल स्वास्थ्य पत्र लाया गया जिसमें जो मवेशी हैं उनकी किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है हेल्थ सेटअप में वो देखा गया। भारत का अगर देखा जाए तो मिल्क प्रोडक्शन में पहला स्थान है विश्व में और विश्व के टोटल दुग्ध उत्पादन का 19% भारत में होता है। इसी तरीके से डीप सी फिशिंग को हमने इनिशिएट किया है, बहुत सारा इनिशिएटिव यहाँ पर दिया गया है। मेरा गांव मेरा गौरव करके एक प्रोग्राम चालू किया गया है जिसके तहत लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक बनाया गया है कि अपने गांव और अपनी सुविधाओं को किस तरीके से बढ़ाया जाए। आर्य स्कीम लाई गई है, आर्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्य क्या है? अट्रैक्टिव एंड रिटेनिंग यूथ इन द एग्रीकल्चर, जिसमें कृषि की चीज़ों को किस तरीके से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है और ग्रामीण लोगों को किस तरीके से ज़्यादा मदद की जा सकती है उस चीज़ के बारे में बताया गया है। अब प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम है, तो पहला तो इसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप्स देखी जाएंगी जिसके थ्रू प्रोक्योरमेंट किया जाएगा। दूसरा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए, जो ट्रेडर्स हैं वो किस तरीके से कारगर हो सकते हैं और सही MSP अमाउंट दे सकते हैं, तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो हम इसमें बात करते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग की सुविधाएँ प्रोवाइड करना, वैल्यू एडेड क्रॉप्स के बारे में बात करना, किसान की आय को बढ़ाना, इंपोर्ट्स और ऑयल प्रोडक्शन मुख्यतः जो पल्सेस और ऑयल सीड्स के लिए है उसको कम करना, तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट में मुद्रा स्कीम आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस तरीके से जो प्रमुख प्रोडक्शन हो रहा है उसको ध्यान में रखना होगा, जो कृषि में इन्वेस्टमेंट किया गया है वो किन किन क्षेत्रों में है, कहाँ से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्टमेंट आ सकता है, तो कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक,
नाबार्ड, इन सब का क्या रोल है, छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किस तरीके से कारगर हो सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस की सुविधा किस तरीके से दी जा सकती है, क्या क्या एग्रीकल्चरल क्रेडिट हैं जो इस क्षेत्र में कारगर हैं, बहुत सारी एजेंसीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो रीजनल रूरल बैंक हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसका अगला जो महत्वपूर्ण है वो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जो कृषि का क्रेडिट है वो इतने सालों में बढ़ाया गया है, तो किस तरीके से कृषि की जो लोन की समस्या है उसको सुलझाने के लिए मुद्रा स्कीम लाई गई है, बहुत सारे लोकल अकाउंट्स खोले गए हैं, जनधन योजना के तहत भी बहुत सारे खाते खोले गए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की घोषणा की गई है जिसमें किसानों को फ्री क्रेडिट की सुविधा दी जाएगी, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जा रही है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बल दिया जा रहा है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हाल ही में आया है वो है नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट, जिसमें जो किसान स्ट्रेस में है वो अपने प्रोडक्ट को मोनेटाइज कर सकते हैं ताकि वो उसको अच्छे दाम में बेच सकें। तो बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, जैसे मूंगबीन लाया गया है जिसको विराट कहा गया है, जिसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत कम समय में ये उग सकता है, बहुत सारे जो पल्सेस हैं दालें हैं उसमें आयरन का कंटेंट बढ़ाने की बात की जा रही है, पहली बार 8 GMBT कॉटन्स भारत में लाए गए हैं, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। CR धन 310 जो लाया गया है, एक चावल की वैरायटी है वो प्रोटीन में रिच है, इसी तरीके से जो अनार की वैरायटी है सोलापुर अनार की वो मुख्यतः आपके आयरन और जिंक में रिच है, मेडका ग्रेप्स लाए गए हैं या अंगूर लाए गए हैं जो कि कैंसर के लिए बहुत ही अच्छे माने गए हैं, तो इस तरीके से अलग अलग फसलें लाई गई हैं और ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग एफर्ट्स चालू किए गए हैं, पोल्ट्री बर्ड जो है जारसीम जो कहा गया है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रीड है बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में नर्मदा निधि है, इसी तरीके से आपका आसाम में कामरूप है और हिमसागर रिद्धि है आपका हिमाचल प्रदेश में, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पर अलग अलग डेवलपमेंट्स देखे गए हैं। डायग्नोस्टिक एरियाज़ में बहुत सारे डिजीज़ जो हैं वो मवेशियों में पाए गए हैं, तो किस तरीके से स्वाइन फ्लू हुआ, जॉन्स डिजीज़ हुआ, इनके ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग प्लांट्स लाए गए हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच की बात की गई है जिसमें कृषि के साथ साथ हॉर्टिकल्चर, फिशरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, मवेशियों का पालन, इन सबको एक साथ देख रेख में रखना, जो रेसिड्यू बच रहा है उसको किस तरीके से अलग करना, एक 3-tier सिस्टम बनाना जो कि इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कारगर कर सके, और लेबोरेटरी से ज़मीन तक किस तरीके से इसकी स्थापना होनी चाहिए, किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए, बहुत सारे क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेजेस की स्थापना की जाने लगी है, बहुत सारे क्रॉप प्लान्स डेवलप किए गए हैं, नानाजी देशमुख नेशनल फिनोमिक्स फैसिलिटी चालू की गई है जिसमें कृषि के अनुसंधानों पर बल दिया गया है, और जो कृषि के कारण जो मुख्यतः बदलते हुए परिवेश के कारण, जो क्लाइमेट चेंज के कारण हम बोलते हैं चेंजेस हो रहे हैं, उनको किस तरीके से ध्यान में रखा जाए उसको फोकस किया है। इसी तरीके से हमने बोला फार्मर्स फर्स्ट स्कीम लाई गई है जिसमें किसानों को एक साइंटिफिक इंटरफेस दिया जाएगा जिससे वो बहुत सारे अपने खेतों में आय को बढ़ा सकते हैं। जो कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उसमें किस तरीके से छोटी छोटी सिंचाई की गतिविधियों को जोड़कर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, तो ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, आपका रेन गेन इसका बहुत ही मुख्य एग्जाम्पल है। फिर जो माइक्रो इरीगेशन किया जा रहा है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, उर्वरकों का कार्य बढ़ सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, सिंचाई से जुड़ी हुई चीज़ें बढ़ सकती हैं, नई जो फसलें हैं उनको बुलाया जा सकता है, किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है, तो बहुत सारी जो मुख्य माइक्रो इरिगेशन से जुड़ी फैसिलिटीज़ हैं उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में उत्पादन किया जाए, उत्पादन की लागत को कम रखा जाए, इरिगेशन के क्षेत्र को बढ़ाया जाए, यील्ड को बढ़ाया जाए और टेक्नोलॉजी की सहायता से इसको और बेहतरीन बनाया जाए। तो हर खेत में पानी की हम बात करते हैं, कम से कम ड्रॉप्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाना,
पर ड्रॉप मोर क्रॉप की हम बात करते हैं। इसी तरीके से गुजरात में गुजरात ग्रीन रेवोल्यूशन कंपनी के द्वारा 2005 से एक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी चालू की गई, जिसमें जो फसल उग रही है उसके कल्टीवेशन को किस तरीके से बढ़ाया जाए अगर क्लाइमेट की सुविधाएं ठीक नहीं है तो भी। तो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तकनीकी विकास क्यों कारगर है, माइक्रो इरिगेशन, आपका एनर्जी क्राइसिस, जो छोटे छोटे कॉमर्शलाइज सेटअप्स हैं उसमें किस तरीके से चीज़ों को सुलभ सरल बनाया जा सकता है, इस चीज़ पे बल दिया गया है। स्टोरेज और मार्केटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है अगर उसमें इनस्टेबिलिटी है तो किस तरीके से उसको सुलझाया जा सकता है, क्या सही ट्रांसपोर्टेशन का मींस है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव लॉसेस जो देखे गए हैं स्टोरेज के टाइम पे उसको कैसे मीट आउट कर सकते हैं, कोल्ड चेन स्टोरेज की हमने बात की है, वेयर हाउसिंग को अच्छा बनाने की बात की है, और जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरीके से ज़्यादा कोल्ड चेन के द्वारा सप्लाई किया जा सकता है। तो कृषि मंडियों में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो छोटे किसान हैं वो इसको काम में नहीं ले सकते, तो कोऑपरेटिव्स के द्वारा इसको संभव बनाने की बात की जा रही है। अलग अलग प्राइस रेंज पर डिस्कवर होता है कि मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है। तो फसल आने के पहले और फसल आने के बाद में प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, किस तरीके से स्टोरेज और अपग्रेडेशन किया जा सकता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स इसमें रहे हैं जो कि मुख्यतः मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करते हैं, प्राइस से डील करते हैं और एक रेगुलेटरी पॉलिसी से डील करते हैं। तो इसमें APMC मंडियाँ हैं जिसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी कहा गया है, जो मुख्यतः जो भी माल प्रैक्टिसेस हैं उनको हटाने के लिए कारगर हैं, सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कार्यरत हैं, किसानों को सही दर मिल सके वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है APMC मंडी का, और सीधे मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके उसके लिए APMC मॉडल एक्ट आए हैं। तो APMC मॉडल एक्ट 2003 से आए हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ई नाम के द्वारा लाया गया। परंपरागत कृषि विकास योजना जिसको इको फ्रेंडली स्कीम कहा गया है उसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा। अब किसानों के बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इसमें चार चीजों पे बात की गई है। पहला तो इनपुट्स को सरल बनाना होगा, प्रोडक्शन को बेहतरीन करना होगा, एग्रो प्रोसेसिंग को आसान बनाना होगा और मार्केटिंग और ट्रेड की चीजों को और सरल बनाना होगा। तो गवर्नमेंट के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसमें जो नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन फंड है उस स्कीम के तहत रिसर्च प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से लाया जाएगा और बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हैं इको फ्रेंडली प्रिपरेशन की जाएगी। फिर आपके सॉफ्टवेयर के बंडल्स बनाए जाएंगे, सिरकॉट कैलिब्रेशन की हमने बात की है कपास की खेती के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं जिसमें क्वालिटी बेहतरीन हो सकती है, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को मेंटेन किया जा सकता है और हर चीज़ जो आप मार्केट में सप्लाई कर रहे हो उसमें कुछ ऐड करके तो वैल्यू एडिशन की बात की जाती है। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं। फिर कॉटन ट्रेडिंग में जो पैरामीटर्स हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हमने रेडी स्कीम की बात की जो कि स्टूडेंट रूरल एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है या योजना है। इसमें हमने जो भी स्टूडेंट्स असेंशियल कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हैं वो बैचलर्स डिग्री के लिए हो सकते हैं, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने की बात की है। तो क्योंकि उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में निपुण हो सकते हैं। तो 5 कंपोनेंट्स पे चर्चा की गई है, एक्सपीरियंस लर्निंग की बात की गई है, रूरल अवेयरनेस की बात की गई है, इनप्लांट ट्रेनिंग की बात की गई है, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट जो कि हमने कहा और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो कि स्टूडेंट को दिए जाएंगे। तो लाइव स्टॉक मार्केटिंग भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो किस तरीके से लाइव स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा सकती है वो भी इंपॉर्टेंट है। मार्केट रिसर्च को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, प्राइस सपोर्ट सिस्टम मेंटेन करने की बात की गई है, रबी की फसल को बढ़ाने की बात की गई है और ये मुख्यतः जो PM आशा स्कीम है उसमें इसके अलग अलग 7 एस्पेक्ट्स डिस्कवर किए गए हैं। तो पहला तो है मेगा फूड पार्क्स की स्थापना किस तरीके से की जाएगी, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन की स्थापना की जाएगी, बहुत सारे एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स लाए जाएंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस बनाए जाएंगे, फूड प्रोसेसिंग को सरल बनाया जाएगा, नए एरियाज बनाए जाएंगे जहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। इसी तरह से ऑपरेशन ग्रीन्स लाया गया टॉप क्रॉप्स के लिए जो कि आपके टमाटर प्याज और आलू की फसल के लिए मुख्यतः लाया गया है, तो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई है। इसी के हिसाब से हमने जो सिंचाई का क्षेत्र है उसमें 4 अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात की,
किस तरीके से किसानों को बेहतरीन वैरायटी प्रोवाइड करना, क्रॉपिंग पैटर्न ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाना ताकि जो इरिगेटेड एरिया है वो ज़्यादा बेहतरीन बन सके, किसानों को बहुत इंटेंसिवली जो क्रॉपिंग है उसको करने देने की परमिशन देना या उसको करने देने में मदद देना, और जो किसान के खेत से आउटपुट आ रहा है वो अगर मॉइस्चर कम है तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है, अगर मॉइस्चर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो किस तरीके से हैंडल करना है, उस चीज़ के लिए किसान को अवेयर करना या किसान को जागरूक करना। तो जो प्रधानमंत्री जो किसान सिंचाई योजना है उसके तहत हमने हर जगह में कितना पानी सप्लाई होना चाहिए उस पर बल दिया है, कहाँ कहाँ पर जो म्यूनिसिपल वेस्ट आके मिलता है उसको अलग करने की ज़रूरत है। तो चार महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स बोले गए हैं। पहला तो हर खेत को पानी मिलना चाहिए, कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा खेती होनी चाहिए, वाटरशेड का विकास होना चाहिए और एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम और कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की यहाँ पर बात की गई है। इसी तरीके से जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं उनके कॉन्वर्जेंस की बात की गई है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो जो एक्सेलरेटेड प्रोडक्टिविटी थ्रू इरिगेशन मैनेजमेंट की हमने बात की है उसमें सबसे पहले तो ये बात की गई है कि केंद्र सरकार से किस तरीके से लोन उठाया जा सकता है, प्रोग्राम को बेहतरीन बनाया जा सकता है, सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड्स की स्थापना की जा सकती है, छोटे छोटे जो अंडरग्राउंड पाइप्स हैं उनको किस तरीके से कार्यरत किया जा सकता है, इरिगेशन की टेक्निक्स को बढ़ाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स लाई गई हैं, एक तो ऊंचे बेड्स की स्थापना करना, लेज़र लेवलिंग करना लैंड की, फिर राइस की मैनेजमेंट करना, इसी तरीके से राइस का इंटेंसिफिकेशन आसान बनाना, जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स हैं जिसमें ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन मुख्यतः आता है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, तो यील्ड को बढ़ाने की बात की गई है, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की बात की गई है, उर्वरक को अच्छे से काम में लेने की बात की गई है, जो केमिकल एप्लीकेशन हैं उसको किस तरीके से सरल रूप से कर सकते हैं, सोलर वोल्टिक पंप्स की स्थापना करने की बात की गई है और सॉइल हेल्थ कार्ड को ढंग से देखने की बात की गई है। इसके अलावा बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिसर्च एक्सटेंशन प्रोग्राम्स भारत में आए हैं, ICAR की लैब द्वारा इनको स्थापित किया गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूरल प्लान है जिसको सीवम कहा गया है जो कि आपके थिंकर पार्क के बहुत ही समीप है और बिहार के सीवन गांव में इसकी स्थापना की गई है, तो ये सैनिटेशन पार्क अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एफर्ट है जो हाल ही में लाया गया है, आपके MCQ के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो कृषि से जुड़ी हुई चीज़ों पर हमने यहाँ पर चर्चा की थी, आगे के अध्यायों में आगे की योजना कुरुक्षेत्र में हम और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे, तो आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।